साइड मेरे पास GTA ओरिजिनल है एंड अनदर हैंड साइड मेरे पास GTA लाइट है। अब यहाँ पर जो सबसे लो एंड प्रीसेट, तो भैया ये उसका मिशन गेम प्ले है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यार, मेरे को उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राफिक्स प्रीसेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो ट्री का जो टेक्सचर देखने को मिलता है वो यहाँ पर थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। बट वेट, यहाँ पर हम ओरिजिनल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम GTA 5 लाइट की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि GTA 5 जो ओरिजिनल है उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है। अपने को पता है कि GTA 5 लाइट 3 कैटेगरी के सिस्टम रिक्वायरमेंट में बैठा हुआ है एंड अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसे जाके चेकआउट करना। तो उस कैटेगरी का सबसे लोअर ग्राफिक मोड आप देख रहे हैं जिसका नाम है लाइटर प्रेस। ओपी ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अपने को जो ट्री का जो टेक्सचर देखने को मिलता है वो 2D ग्राफिक्स में देखने को मिल जाता है, जिस वजह से हमारा जो गेम रहता है वो काफी स्मूथली रन करता है। और टेक्सचर की बात करें तो उसमें भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब इतना भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते कि भैया हम इनविजिबल हो जाए। बोलूंगा कि यहाँ भी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अपने को 20% घटा दो, 10% घटा दो, सेम एज ओरिजिनल जैसा ही है। बट यहाँ पर एक चेंजेस देखने को मिल रहा है कि भैया ये जो GTA 5 लाइट है ये आपके लो एंड PCI लैपटॉप पे काफ़ी मक्खन जैसा चल रहा है। GTA 5 लाइट में आपको जो इतने भी कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी स्किन को डाउनग्रेड किया गया, जिस वजह से हमारा जो GTA 5 लाइट रहता है वो पूरा मक्खन जैसा चलता है। भाई इतना डाउनग्रेड नहीं किया कि भैया डब्बा दिखे, हाँ यहाँ पर आप विजिबल हो एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, ये विजिबल है GTA 5 लाइट में। इतना ही कहना चाहूँगा कि इस गेम में जो भी चीज़ लैग क्रिएट करती है उन सभी को इसमें से रिमूव कर दिया गया है, उस वजह से जो हमारा गेम है वो हमारे लो एंड PC पे अच्छे तरीके से रन कर पा रहा है। देखने को मिल जाती है वो है हमारा ग्राफिक्स। अब भैया GTA 5 खेलना है तो भैया इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है हमारे ओरिजिनल GTA 5 में, वो यहाँ पर हमें दूर दूर तक अपने को देखने को मिल जाता है। बट वहीं हम GTA 5 लाइट में देखें, जो लाइटर वर्जन में अपने को देखने को मिलता है, हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो हमारा व्यूइंग रहता है यहाँ पर अपने को थोड़ा ब्लरी देखने को मिलता है। जो GTA 5 लाइट है वो कम मेमोरी यूजेस यूज करता है एंड यहाँ पर अपने को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और देखा जाए दोस्तों तो GTA 5 लाइटर का जो थर्ड प्रीसेट निकल के आता लाइटर प्रीसेट वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जो लाइटर वर्जन का गेम प्ले है वो कैसा लगा। लाइटर प्रीसेट के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया 4GB होना चाहिए। CPU की बात करें तो इंटेल i3-3110M में ये गेम आराम से चल जाएगा। GPU की बात करें तो भैया इंटेल SG4000 ग्राफिक्स आपके पास होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। वही स्पेस की बात करें तो 44GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PCI लैपटॉप पे इस गेम को प्ले करने के लिए। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ Levitation4D भाई के चैनल को विजिट करें, क्योंकि आपको अपकमिंग जितने भी नोटिफिकेशन है उनके चैनल में मिल जाएंगे। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वेल गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको बताना था कि भैया GTA 5 का जो लाइट वर्जन का जो लाइटर प्रीसेट का जो गेम प्ले है वो रिलीज हो चुका है। एंड प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन जरूर देना, और ऐसा कुछ भी ऐसा सवाल है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।